आपको मालूम है कि अभी चंद रोज कबल एक हिंदी न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका ने ईदैन की नमाज जो हर साल रेड रोड पर अदा की है की जाती है उसके ताल्लुक से एक गलत और झूठी रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि बंगाल के मुसलमानों ने लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाते हुए यह हुकूमत ने लॉकडाउन जो नाफिस किया उसके खिलाफ वर्जी करते हुए इंसान ईद की नमाज रेड रोड पर अदा की है, जबकि ये बिल्कुल झूठी और गलत खबर है। मैं वेस्ट बंगाल मोमिन अंसार सभा के सदस्य की हैसियत से इस झूठी और फेक न्यूज़ के मजम्मत करता हूँ। आई स्ट्रॉन्गली कंडेम दिस फेक न्यूज़ एंड मैं मगरमाल की हुकूमत और कलकत्ता पुलिस से अपील करता हूँ कि इस न्यूज़पेपर के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, इसकी मेंबरशिप है, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रद्द की जाए और इस पेपर को जल्द से जल्द बैन किया जाए। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हिंदी पेपर के जरिए यह गलत खबर छाया करके सिर्फ मुसलमानों को ही बदनाम करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हिंदी जबान को भी बदनाम किया। मुसलमानों ने ईद के मौके से दूरअंदेशी से काम लिया और साथ ही साथ कोरोना से बचने के लिए तमाम मुसलमानों ने हिंद ने ईद का मुकद्दस त्यौहार नहायत ही सादगी से मनाया, लेकिन मुबारकबाद के काबिल हैं हमारे मुसलमानों ने हिंद कि जिन्होंने गोदी मीडिया को कुछ भी लपकने का मौका नहीं दिया, लेकिन इसी गोदी मीडिया ने झूठी खबर फैलाकर जिसका नाम है प्रिंट मीडिया यानी कि राजस्थान पत्रिका ने एक गलत मैसेज दिया कि मुसलमानों ने लाखों की तादाद में रेड रोड में नमाज अदा की, हालांकि ये सरासर फेक है। इसके खिलाफ हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं और कलकत्ता पुलिस को नहायत ही मुबारकबादी पेश करते हैं कि इन्होंने राजस्थान पत्रिका के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, पूरी मुसलमान कौम का, जिसने पूरी गोदी मीडिया को रमज़ान और ईद के मौके पर कोई मौका नहीं दिया अपने खिलाफ बोलने का। इतनी शादी से ईद मनाई गई लेकिन इसके बावजूद नफरत के सौदागर राजस्थान पत्रिका ने जो ईद के दूसरे दिन फेक न्यूज छापी इतनी मजम्मत की जाए कम। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कोलकाता पुलिस का जिसने राजस्थान पत्रिका के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का फैसला। राजस्थान की एक अखबार है वो मेरे ख्याल से एक मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है, जिस तरह से वो अपने अखबार में छापा है कि कलकत्ता के रेड रोड में इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के